अब आपको टेरेंस के लिए लड़की पसंद करनी है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए या इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट होनी चाहिए, दोनों होना चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी। रीजन? क्योंकि टेरेंस को बातें करना पसंद है और इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स डिस्कस करना अच्छा लगता है, तो अगर सामने वाला डम होगा और नहीं समझ पाएगा तो वो अकेले ही ठीक है फिर। मैं बोर हो जाऊंगा। अच्छा, लड़की सीरियस रहने वाली हो या हंसी मजाक करने वाली? हंसी मजाक। तू जवाब दे दे। क्योंकि मैं नहीं कर सकता ना व्यंग, और ये जो आप करते हो व्यंग सर, आपकी कभी कभी व्यंग मत कर, तू अंग कर ले, व्यंग मत कर, लगा सॉरी। कभी कभी ना ये हिंदी के ऐसे शब्द इस्तेमाल करते ना, लगता ही नहीं टेरेस बॉम्बे से, लगता बनारस से आए हैं। व्यंग करने वाली लड़की है, सिर्फ ये ज़बान, बाकी तो पूरा अंकल टोनी। अंकल टोनी। ओके, सास ससुर की सेवा करने वाली या पति से अपनी सेवा करवाने वाली? दोनों में से कोई नहीं। शी शुड बी अ होमली गर्ल, आई डोंट थिंक ना वो, बिकॉज ही जस्ट वॉन्ट समन एज अ कंपेनियन, अ गुड कंपेनियन। अब ज्यादा भी नहीं चाहिए कि मतलब पति की सेवा टाइप भी नहीं चाहिए होगी उसे। और वो अपने सास ससुर, इनके सास मतलब इनके दे आर वेरी इंडिपेंडेंट फैमिली, तो ऐसे मतलब घुसपैठ वाली लड़की नहीं चाहिए। करेक्ट करेक्ट, नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। हॉलीडेज में रोमांटिक डेस्टिनेशंस पे जाने वाली या रिश्तेदारों के यहाँ जाने वाली? चलो मेरे चाचा के बेटे की शादी है वहाँ। एडवेंचरस लोकेशंस पे जाने वाली, मतलब स्कूबा डाइविंग चली जाए, स्नॉर्कलिंग चली जाए, एयर डाइव करने, वो पैरासेलिंग चली जाए, ट्रैकिंग चली जाए, ट्रैकिंग चली जाए, मतलब ऐसे। अच्छा, शॉपिंग की शौकीन या पैसे जोड़ने वाली? पैसे सेव करने वाली लड़की हूँ, शॉपिंग अपने टाइम से करे। और खुद का पैसा खुद लुटाओ यार। हाँ, मेरा पैसा क्यों लुटा रही? वेरी गुड, इंडिपेंडेंट। आप दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो, आप ही क्यों नहीं शादी कर लेते? इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो बहुत बार ये सवाल मेरी माँ भी कर चुकी है। मेरी माँ ने ये भी बोला है कि आप टेरेंस के साथ एक मॉक शादी कर लो, क्योंकि उसको नहीं करनी है, तुझे नहीं करनी, लेकिन मेरी इच्छा है कि तेरी शादी हो, मैं देखूं एक बारी, और तुम लोग बड़े अच्छे लगते हो। हाँ। तो बोलो एक बारी आप लोग ना सब कपड़े वपड़े ऐसे पहन के मॉक शादी कर लो, भले उसके बाद ना निभे। उनको लगता है वो पुराने दिनों में अरेंज वाली शादी हो जाती थी, पर प्यार हो जाता था, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। I'm very rich, yeah, it doesn't matter. चलते हैं। You see that? Uh-huh. The Terrence Lewis in the house, the Gita Ma in the house, the Ganesh Acharya in the house. House in the house. मैं आप लोगों के फिल्म का ट्रेलर देख के मेरे को बहुत मजा आए। उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही। तो मेरे को मजा भी किधर आए? लेकिन मैं सच बोल रहे हैं। आप लोग इधर आए हैं, मुझे पता है आप लोग का शो जो है वो एक अल्प विराम लिए है। अल्पविराम? वाओ, थैंक यू। इसलिए आप इधर चाय नाश्ते के लिए आए हैं। ब्रो चाय वाय पिलाओ, खाने के लिए वो खिलाओ ब्रो, अपना वो सर्दी का मौसम है, वो बेसन की क्या होती है, सैफ अली खान कौन से खानदान से है? पटौदी। हाँ, बेसन की पटौदी खिलाओ इनको। पटौदी नहीं, पकौड़ी होता है, बेसन की पकौड़ी। इस पकौड़े? पकौड़े, हाँ। इस पकौड़े? पकौड़े, पकौड़े। ओह गॉड, ओह गॉड, माय बैड, पकौड़े और पटौदे, आई एम गुड मैन, आई लाइक देम बोथ, इट्स कूल, चलते रहते हैं यार। लेकिन सच बताए, आप लोगों को यहाँ पे देख के मैं फूले नहीं, वो क्या बोलते हैं ब्रो, कि वो किसी से गलती हो जाता है तो सामने वाले से क्या मांगते हैं? क्षमा। क्षमा, क्षमा, भूले नहीं क्षमा रहे हैं। वो तो दिख रहे। लेकिन आप लोग ना मेरे को जज कभी लगते नहीं है, आप लोग ना मुझे नेवी वाले लगते हैं। नेवी वाले क्यों? कि 6 महीना काम करते, 6 महीना छुट्टी, 6 महीना काम करते, 6 महीना छुट्टी, 6 महीना, 6 महीना छुट्टी। ये अच्छा, नाइस वन, नेवी वाले के। ये आई गॉट इट, नाइस वन, गॉट इट। तुम क्या करने आए इधर? अच्छा, चैरिटी करने आए ब्रो। Charity. I'm very rich in London. Oh really? मैं बहुत अमीर है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं लंदन का बहुत ही वो आदमी है, क्या वो सारे गामा पा के बाद क्या आते हैं? धानी। धानी, मैं उधर का बहुत ही धानी आदमी है। मेरे पास उधर बहुत पैसे है, तो मैं सोचे मैं इधर आके जो जरूरतमंद लोग है उनके बीच में, ठंडी का मौसम है तो मैं भेड़ बांटेंगे। भेड़ थोड़ी ना बांटते हैं, कंबल बांटते हैं। नो ब्रो यार, कंबल बांटेंगे तो लोग कंबल ओढ़ के सो जाएंगे। दे विल बिकम लेजी।
इसके लिए मैं भेड़ बांटेंगे, वो अपने हाथ से ऊन निकालेंगे, ऊन का एक्सरसाइज होगे, नहीं मतलब ऊन का एक्सरसाइज नहीं होगे, ऊन लोगों का एक्सरसाइज होगे, फिर आप ऊन से जो बनाना है बनाओ ब्रो, कंबल बनाओ, सॉक्स बनाओ, जैकेट बनाओ, जो बनाना है बनाओ, सो इंटेलिजेंट, फिर उसको पहनो, उसमें आपके शरीर में गर्मी आएगा और गर्मी इंसान को आगे लेके जाएगा. आई लाइक गर्मी. जैसे आई नो दैट नोरा फतेह को ही ले लो यार, हाय गर्मी करके ऐसा ऐसा करके कितना आगे चला गया हो. देखे उसका आपको और डिटेल चाहिए कितना आगे गए आप इनसे ले सकते हैं, इनको पूरा पता है. क्या क्या सोचेंगे? अच्छा वो कैसे पूछते कोई? यही सोचेंगे कि आदमी सिर्फ मोटा नहीं है, फनी भी है. लुइस जी, मैं खाली आप नहीं आए है. क्या है? मैं खाली हाथ नहीं आए है, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाए है. क्या? I'll give it. I give it. Great man. Matching bag. Impatient guy, man. Matching bag. Nice. I love this bag. ये लो. ये क्या है? ये क्या है? ये गमले का क्या करेंगे? ये अपना टेरेंस पे लगाओ. टेरेंस जी, गीता जी, आप लोगों को देख के सच में मेरा तो एकदम हैरान निकल गए. लेकिन मैं आपको सच बताया, आपका बड़ा बड़ा गाड़ी बाहर देख के अर्चना जी का परेशान निकल गए. प्रोड्यूसर का जाके अभी थोड़ा देर पहले गला पकड़ लिए. उनको बोलते हैं कि ये लोग 3 महीना काम करते, इतना बड़ा गाड़ी में आते, मैं 2 साल से काम कर रहे, मैं ऑटो में क्यों आते हैं? फिर प्रोड्यूसर इनको समझाए कि ये लोग ऑडिशन लेते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, बजर बजाते हैं, आप क्या करते हैं? फाइनली जाके सॉरी बोले अर्चना जी ने. अर्चना जी नहीं बोले, प्रोड्यूसर सॉरी बोले. ये क्यों बोलेंगे यार? आप यही सोचो, इधर बैठ के हंसने का इतना पैसा लेते हैं, बोलने का कितना पैसा लेंगे? पॉइंट है गणेश जी, मैं आई एम अ ह्यूज फैन. आप नृत्य में निपुण है. नृत्य में निपुण है. निपुण है आप, इतना मैं पसंद करते हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहते हैं. शिष्य बनना चाहते हैं. मेरे को थोड़ा बहुत डांस आते हैं, लाइक वो गुजराती डांस है ना, गबरा, वो मैं कर लेते हैं. गबरा नहीं, गरबा. नहीं वो उनके लिए होता है, लेकिन मैं घबरा जाते हैं, इतना सारा लोग को डंडे में ऐसा ऐसा कर सकते हैं, मैं घबरा जाते हैं यार. घबरा जाते हैं. अच्छा, बहुत घबरा जाते हैं. लेकिन सर आप इतना वजन कम किए हैं, मुझे भी जरा वो दो ना टिप्स. नहीं आचार, आचार्य है, मुझे आचार ही देंगे. ये लो, ये लो, बाद में भर के देंगे आपको, पकड़ो. एक मिनट, हाँ ये वाला जोक पहले कोई दूसरा कलाकार आके. ब्रो मैं तुमको कितना बार बोले मेरे को पहले आने दो. सब कलाकार आ जाते, सब जोक्स क्रैक कर देते, मैं इधर क्यों आया? दूध का बिल देने के लिए आया क्या सोनी साहब को? सच में आचार्य जी कभी कभी बहुत लाचार्य महसूस करते हैं. well done, well done. मैं क्या करेंगे यार, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, अच्छी बात नहीं. नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरे को डांस सीखने के है, थोड़ा वजन ज्यादा है, लेकिन मैं सीखने चाहते है. तो जिम ज्वाइन कर लो ना फिर. ब्रो जिम का बात किए, मैं कल जिम गए थे. अच्छा. आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कल पहला दिन मेरा जिम का, मैं 20 kgs कम किए. अरे एक दिन में? हाँ, नहीं नहीं, मेरा ट्रेनर जो है मेरा डंबल पे 25 kgs डाले, मैं 20 कम किए. फिर मैं 5 kgs से अपना वर्कआउट किए, वो करके भी मैं इतना थक गए. really? मैं घर जाके ऐसा नींद आए मुझे, मेरे को मैं सो गए ना, फिर मेरे को सपना आए, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरा सपना सच हुए. कैसे? अच्छा? हाँ, नहीं नहीं ब्रो, मैं जब सो रहे थे मेरे को सपना आए कि मैं जाग गए है, तो ये देखने के लिए कि मैं जागे कि नहीं जागे, मैं जागे. तो जब मैं जागे, मैं देखे, मैं जाग गए. तुम्हारा बीवी का दिल में मेल है? इसमें क्या गलत बात है यार, वो फीमेल है, फीमेल के दिल में मेल, मेल के दिल में फीमेल होता ही है. ओह गॉड. नहीं नहीं, अच्छा गंदगी वाला मेल है ब्रो, ऐसा मत सोचो यार. देखो जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का विचार मेल खाए. नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं उधर आके तुमको मेल के समझाएगी. ओके रिलैक्स. एनीवेज गिव माय लव टू योर चिल्ड्रन, फर्स्ट गिव डॉटर देन गिव सन. गॉट इट? मेल गिव सन. वाह, गिव डॉटर गिव सन. चलो मैं फोन काट रहे हैं.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.